एक बूढ़ी महिला को कपड़े सिलने का बहुत शौक था। उसके पास बहुत सारी सुइयां थीं, छोटी बड़ी पतली मोटी सभी तरह की, लेकिन एक सुई उसको सबसे ज्यादा पसंद थी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी सबसे पुरानी और मजबूत सुई थी, साथ ही हपतली और लंबी थी, इसलिए हाथ में इसे पकड़ना आसान था। मजेदार बात यह है कि हसुई भी खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझती थी। सुई जानती थी कि वह बूढ़ी महिला को बहुत प्रिय है। एक दिन महिला सुई से कुछ सिलाई कर रही थी, तभी सुई ऊपर से टूट गई। इस महिला को सुई इतनी अच्छी लगती थी कि टूटी हुई सुई को उसने फेंका नहीं, बल्कि उसके नीचे के हिस्से को पिन की तरह इस्तेमाल करने लगी। उसकी रसोई में बर्तन धोने के लगे ऊपर एक सिलेंडर का हुआ था। महिला ने सुई को उस सिलेंडर में अटकाकर कुछ कागज वहां लगा दिए। इन कागजों पर वह अपने खर्चे का हिसाब लिखती थी। सुई बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, अपनी इस नई जगह से वह खुश थी। पहले डिब्बे में बंद रहने वाली सुई अब बाहर निकलकर दीवार पर टंग गई थी। वह खुश थी कि उसे पहले से ऊंची जगह मिल गई थी। एक दिन बूढ़ी महिला एक कागज निकाल रही थी, अचानक सुई उसके हाथ से गिरी और नाली में चली गई। नाली में ढेर सारा पानी था जिसमें सुई तेजी से बहने लगी। सुई ने इतना अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया था। हमेशा एक जगह पर रहने वाली सुई अब आजाद थी, इसीलिए वह पहले से भी ज्यादा खुश थी। उसके आसपास छोटा छोटा कूड़ा तैर रहा था, लेकिन कुछ भी उसके जैसा चमकदार नहीं था, और इसीलिए सुई को अपने ऊपर गर्व हो रहा था। तेज पानी के साथ बहकर सुई बाहर बने हुए एक बड़े टैंक में गिर गई। धीरे धीरे वह टैंक की तली में बैठ गई। शायद आज भी वह सुई वहीं होगी। अपने संतोष के कारण वह कल भी खुश थी और आज भी खुश है। हर परिस्थिति में खुश रह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा हो सकता है। सच मानिए, ऐसा जरूर हो सकता है।